नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। ज्योतिषी शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल रोजाना के भविष्य का कथन करता है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। आइए आपको बताते हैं 12 राशियों के बारे में, और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। ग्रहों का इशारा आपके लिए आज यह है कि आज घर में अच्छे पकवान बन सकते हैं। कुछ लोगों का आना जाना हो सकता है, जिससे घर में खुशी का वातावरण रहेगा और साथ ही आपके पास धन आने का योग बनेगा, यानी कि आज आप धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सेहत के प्रति उदासीनता आपको बीमार बना सकती है, इसलिए सावधान रहें और ज्यादा सुख भोगने की प्रवृत्ति से बाहर निकले। आज आपका भाग्य प्रबल रहेगा और नौकरी पेशा लोग आज जबरदस्त स्थिति में होंगे और साथ ही बिजनेस करने वालों को भी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। मेष राशि के बाद वृष राशि पर नजर डालते हैं। आज दिल में कुछ अलग और सबसे हटकर काम करने की इच्छा होगी और जो मन में आएगा वो करेंगे आप। निजी जीवन उतार चढ़ाव के बीच खुशियों से भरा रहेगा। आज आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ खर्चा भी रहेगा, फिर भी आज आपको किसी की परवाह नहीं होगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज बेहद खुश नजर आएंगे, उन्हें कोई जैकपॉट मिल गया हो। भाग्य आज आपके साथ नजर आएगा, जिससे कार्य सफल रहेगा। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आज आपको कोई बड़ी चिंता में हो सकती है। आज आप बेवजह खर्च करेंगे, इसलिए आपकी जेब का भी ध्यान रखें, नहीं तो परेशानियों से घिर सकते हैं। विरोधियों से आज सावधान रहे, वो आपको परेशान करने में कोई कमी नहीं रहेंगे। साथ ही आपकी सेहत जरूर आपको सतर्क रहने की सलाह दे रही है, लेकिन इन सब के इधर आज कुछ अच्छा करने का मन करेगा और आज किसी गरीब की मदद कर सकते हैं या आपके किसी मित्र के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें याद रहे। निजी जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि की करते हैं। ग्रहों की स्थिति आज उत्तम धन लाभ की ओर इशारा कर रही है। बिजनेस करने वालों को आज उत्तम मुनाफा मिलेगा और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी आज कहीं ना कहीं से पैसा आने का योग बन सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा। आपके रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी और आपके प्रिय के लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत मजबूत रहेगा। बिजनेस करने वाले के लिए आज का दिन बेहद उत्तम है, खुद पर कॉन्फिडेंस रहेगा। अब जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़कर बोलेगा, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसानदायक होता है, इसलिए संभल कर रहे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आज सफलता मिल सकती है और भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम बनेंगे, हर गृहिणी के कामों में भी कुछ व्यस्तता रहेगी, साथ ही निजी जीवन सुखदायक रहेगा। घर गृहिणी के कामों में भी कुछ व्यस्तता रहेगी, निजी जीवन सुखदायक रहेगा। और आप बात करेंगे कन्या राशि की। आज का दिन बेहद उत्तम रहेगा। किसी लंबी ट्रैवलिंग का प्लान बनेगा और दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने जा सकते हैं, यानी आज फुल एंजॉयमेंट करने का दिन रहेगा। गवर्नमेंट से कोई बड़ा लाभ आज आपको मिल सकता है। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी और आप अपने घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। संतान का सुख मिलेगा, ससुराल पक्ष से कुछ दिक्कत हो सकती है। कन्या के बाद अब बात करेंगे तुला राशि की। आज का दिन संभल कर चलने का है। ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि धन हानि हो सकती है, इसलिए कहीं भी पैसा का इन्वेस्टमेंट ना करें और आपका पैसा किसी को उधार भी ना दें। अच्छा भोजन करें, क्योंकि भोजन की अव्यवस्था से सेहत कमजोर पड़ सकती है। घर में सुख शांति रहेगी, बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनके आशीर्वाद से आपके काम भी बनेंगे। निजी जीवन में थोड़ी समस्या हो सकती है, काम के सिलसिले में दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और अब वृषभ राशि की जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा देख लेते हैं। आपकी पिछली गलती को याद कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। कुछ खर्चा करने की इच्छा मन में जागेगी और कुछ छोटी छोटी चीजें जो काम की हो, ऐसे गैजेट आज आप खरीद सकते हैं। परिवार के सदस्यों से आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। किसी भी तरह के
कंपटीशन से आज आप सफल हो सकते हैं, साथ ही गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले के दिन आज बेहद अनुकूल रहेगा और आज आप जितना प्रयास करेंगे उतनी अधिक सफलता अर्जित कर पाएंगे। अब बात धनु राशि की करते हैं। आज ग्रह आपके पक्ष में ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहे। आज बेवजह की उलझन से उलझे रहेंगे, संतान से कुछ समस्या रहेगी और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, लेकिन शारीरिक तौर पर आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, काम के सिलसिले में आज आप लकी साबित होंगे और आपके लगभग सभी काम बन जाएंगे। अब बात मकर राशि की करते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज प्यार में सभी हदें तोड़ने को तैयार नजर आएंगे और अपने प्रिय के साथ हर लम्हा बिताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी यह बेकरारी आपके प्रिय को भी आपके नजदीक लेकर आएगी। इनकम के उद्देश्य से आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा और आपको धन प्राप्ति और साथ ही सुंदर योग बनेंगे, साथ ही सेहत में भी सुधार रहेगा और साथ ही आप लोगों के भलाई के लिए भी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, दाम्पत्य जीवन बिता रहे लोग आज खुश महसूस करेंगे क्योंकि जीवन साथी आपके लिए कुछ बढ़िया करने की कोशिश में रहेंगे। मकर के बाद अब कुंभ राशि की बात करेंगे। ग्रहों की स्थिति आज पारिवारिक द्वंद्व की ओर इशारा कर रही है। परिवार की किसी बात को मुद्दा बनाकर आपको गहरी बातचीत होगी और जिससे आप थोड़े व्यथित हो सकते हैं। साथ ही काम के सिलसिले में भी आपको इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा, इसलिए काम में मन कम लगेगा और आपकी परफॉर्मेंस कमजोर हो सकती है। फिर भी पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, खर्च भी होते रहेंगे, आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। सभी चुनौतियों से डट कर सामना करेंगे और निजी जीवन आपको खुशी दे सकता है। अब बात अंतिम राशि मीन की करेंगे। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आज आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, दोस्तों के साथ भी समय बिताएंगे, काम के सिलसिले में काफी मजबूत नजर आएंगे और आपको गवर्नमेंट से भी अच्छा बेनिफिट मिलने के योग है। बिजनेस में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन खुशी से भरा रहेगा और जीवन साथी भी कुछ काम करने की सोच रखते हुए आपसे अपने मन की बात जाहिर करेंगे। आमदनी अच्छी होगी और आप बेहद खुश नजर आएंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।